I'm back. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 12 घंटे पहले 2018 का अंत हो चुका है और मैं 1 जनवरी ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये इस साल का मेरा पहला वीडियो है। तो किसी का अच्छा गया इस साल, किसी का बुरा गया, मेरा तो बहुत बुरा गया। YouTube का मोनेटाइजेशन रूल ही बदल गया है तो कैसे अच्छा जाएगा, इतना टफ हो गया YouTube का मोनेटाइजेशन रूल। तो चलिए देखते हैं इस साल क्या होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 2018 में जो जो टेक इन्वेंशन हुए, टेक प्रोजेक्ट्स बने, उनसे कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनी के कुछ कुछ टेक प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए। जैसे गूगल का कुछ प्रोजेक्ट फेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रोजेक्ट फेल हुआ और बड़े यूट्यूब का भी प्रोजेक्ट फेल हुआ। उन सब प्रोजेक्ट के बारे में मैं वीडियो में विस्तार में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गूगल ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे आप जानते हैं जो गूगल का अपना मैसेजिंग ऐप था, गूगल एलो आलू जो बोलोगे आप, वो गूगल एलो का जो ऐप था मैसेजिंग, वो बंद कर दिया है गूगल ने उस ऐप को, क्योंकि वो भी गूगल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। वो सोचा था कि बड़े बड़े मैसेजिंग ऐप को वो डाउन करके अपना गूगल का जो गूगल एलो ऐप को वो हाई कर देंगे, उसका भी बहुत सारे यूज़र अट्रैक्ट करेंगे। जैसे वो सोचा था कि मैसेज फेसबुक को टक्कर दे देंगे, व्हाट्सएप को टक्कर दे देंगे, बट ये नहीं हुआ। गूगल का ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो चुका है। और उसके साथ गूगल का एक दूसरा प्रोजेक्ट है गूगल प्लस। आप जानते हैं ये एक फेसबुक की तरफ एक वेबसाइट है और इसका भी खुद का ऐप है गूगल का। ये भी प्रोजेक्ट गूगल ने बंद कर दिया है और बंद होने वाला है। गूगल इसका अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिशियली, क्योंकि इसमें भी आपको फोटो पोस्ट करने को मिलेगा। ये गूगल ने भी सोचा था गूगल प्लस को फेसबुक को टक्कर देगा, फेसबुक को हरा देगा या इससे भी बड़े बड़े सोशल मीडिया को हरा देगा, बट ये नहीं हुआ। गूगल प्लस में आपको कहाँ से पिक्चर अपलोड करोगे, कहाँ से किसको टैग करोगे, ये आपको देखने को नहीं मिलता। कैसे मैसेज करोगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक साइट था, इसलिए बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी नहीं कर पाए। तो गूगल ने गूगल प्लस का अनाउंसमेंट कर दिया है। और दूसरा है यूट्यूब की तरफ से, जैसे यूट्यूब रिवाइंड वीडियो 2018 आपको देखने को मिलेगा। इंडिया से भी बहुत सारे यूट्यूबर उन पे हैं और उस रिवाइंड वीडियो में आपको कौन से महापुरुष आगे क्या पता। व्यूज़ तो 154 मिलियन है बट डिसलाइक है 14 मिलियन से भी ज़्यादा और सिर्फ लाइक है 2 मिलियन से ज़्यादा, 2 मिलियन प्लस। इतने कम लाइक और इतने ज़्यादा डिसलाइक, क्या कौन से महापुरुष आ गए इस वीडियो में, तो डिसलाइक ही बढ़ गए। कुछ लोग इसे अशगुन कहते हैं और कुछ लोग इसका शापित या बहुत सारे बात करते हैं। और जो तीसरा है वो है फेसबुक की तरफ से, जो फेसबुक का जो डेवलपर मैक जुकरबर्ग, जो जकरबर्ग जो आप कहोगे, उनके जो फेसबुक में भी डाटा लीक हुआ था, ये सब तो आप जानते हैं। उसका फेसबुक का इस साल बहुत बुरा चल रहा है, मतलब 2018 बहुत बुरा गया फेसबुक का, क्या पता। जैसे आप जानते हैं फेसबुक के जो आप जो सब थर्ड पार्टी साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके शक्ल किससे मैच करता है, कौन से एक्टर से मैच करता है, और आप अगर ये होते हो तो आपका शक्ल कैसा लगेगा, आप अगर फीमेल होते हो तो आपका शक्ल कैसा लगेगा, आपके शक्ल किससे मैच करता है, कौन अपने प्रोफाइल को ज़्यादा देखता है, ये सब जो थर्ड पार्टी जो साइट्स होते हैं जो फेसबुक API को यूज़ करते हैं, उस API को यूज़ करते समय एक फ्लो देखने को मिला। उस API से जो डाटा होता है वो एक्सट्रैक्ट, आपका अकाउंट का जो डाटा होता है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो बंदा जिसका वो थर्ड पार्टी साइट है। ये भी आपको देखने को मिला था, जो जब फेसबुक API से आप लॉग इन करते हो उसके अकाउंट पे, जब उस थर्ड पार्टी साइट पे, तो वो आपके अकाउंट के डिटेल्स को वो एक्सेस कर सकता है और आपके जो फोटोज़ वगैरह वो सब एक्सेस कर सकता है। ये भी फेसबुक का एक बग था, ये भी फ्लो ये भी रिपेयर हो रहा है अभी तक। और एक और फ्लो था फेसबुक की तरफ से, आप जैसे जानते हैं कि फेसबुक में आप जब फोटो पोस्ट करते हो तो उधर पोस्ट करने से पहले पोस्ट और डिस्कार्ड एक ऑप्शन आता है, पोस्ट या कैंसिल। उधर आप अगर पोस्ट पे क्लिक नहीं करके भी आप अगर कैंसिल कर देते हो तो वो फोटो भी वो फेसबुक पे रह जाता है। ये एक बग था, ये भी रिपेयर हो रहा है। ये था कुछ टिप्स और कुछ जो फ्लो हमें देखने को मिला 2018 को, कुछ टेक्निकल बग्स जो कहोगे, टेक्निकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट का फेल, ये फेल ही होता है। और थर्ड में और मैं जो चौथे में सब लास्ट में मैं विंडोज़ के बारे में बताने वाला हूँ। विंडोज़ 10 का जो आपको देखने को मिला था, विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट अक्टूबर अपडेट था वो मैं भी इंस्टॉल किया था। जिन लोगों ने सोचा कि वो अक्टूबर अपडेट इंस्टॉल करके उसका कंप्यूटर हवा से भी तेज़ चलेगा, बट नहीं, हवा से तेज़ तो चला बट पीछे से उनका जो फाइल था वो सारे डिलीट हो गए।
न्यूज़ भी आए थे कि 2 TB का हार्ड डिस्क टोटली रीसेट हो गया, डिलीट हो गया, ऑटोमेटिक फाइल्स डिलीट हो रहे, ये न्यूज़ में भी देखने को मिला था। बट ये भी एक विंडोज़ का बग है, विंडोज़ ने फिर से उसको जो अक्टूबर अपडेट को पुल आउट करके फिर नवंबर में अपडेट दिया था पैच करके, फिर नवंबर में भी वो बग देखने को मिला, फिर नवंबर में पुल आउट करके फिर दिसंबर में दिया था वो पैच करके, अब ठीक चल रहा है विंडोज़, अभी तक तो कुछ बग नहीं निकल के आया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2019, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेक रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, गुड बाय, टाटा।